बच्चों, कैसे हैं आप? ठीक हैं? चलिए आज हम आपके साथ एक गेम खेलते हैं, और गेम कुछ इस तरह का है जिसमें आपको बहुत मज़ा आएगा। तो देखिए, यहाँ हमने कुछ वर्ग तैयार किए, और ये आप देख रहे हैं यहाँ से यहाँ तक एक डॉट जैसा आपको दिख रहा है। दरअसल क्या है कि ये एक तिली है। मान लीजिए कि ये तिली है, यहाँ से यहाँ तक भी एक तिली है, यहाँ से यहाँ तक एक तिली है। इस तरह से ये हमने 24 तिलियाँ ली हैं, और 24 तिलियों से हमने छोटे छोटे 9 समान वर्ग तैयार कर लिए। आप कर सकते हैं, बहुत मज़ा आएगा इसमें। अब आपको करना क्या है कि इनमें से कोई सी भी 4 तिलियां इस प्रकार हटानी हैं कि हमारे पास जो मौजूद वर्ग बचेंगे वो 5 बचेंगे, यानी 5 समान वर्ग रह जाएं। इस तरह से हमें कोई सी भी 4 तिलियां हटानी हैं। तो क्या करना होगा इसके लिए, आप अपना दिमाग लगाएं और मज़ा भी आएगा इसमें। तो क्या करेंगे, चलिए हम यहाँ से एक तिली ये हटा के देख लेते हैं। एक ये हटा दी हमने, और उसके बाद एक तिली ये हटा दी। कितनी तिलियाँ हटी? 2। और वर्ग कितने कम हुए? 1। इसी तरह से मान लीजिए हमने एक और एक दो दो तिलियाँ ये हटा देते हैं यहाँ से, तो क्या होगा, तिलियाँ हमारी 4 हट गई हैं, लेकिन वर्ग कितने कम हुए? 2। लेकिन हमारे पास कितने वर्ग होने चाहिए थे? 5। और अब हमारे पास कितने हैं? 7। इसलिए ये तिलियां नहीं हटेंगी। तो आप अपना दिमाग लगाएं और हमें बताएं कि कौन कौन सी तिलियां हट सकती हैं। चलिए हाँ, देखते तो हैं, आया आया कुछ समझ में? लगाया आपने अपना दिमाग? चलिए, हम कुछ सुविधा के लिए हमने यहाँ कुछ नंबरिंग कर दी है। हमने नंबर डाल दिए 1, 2, 3, 4, 5। इस तरह से हमने 24 तिलियों के नाम भी यहाँ रख दिए हैं, नाम लिख दिए हैं, जिससे आपको बताने में या समझने में आसानी होगी। अब आप हमें बताएं सोचकर कि कौन कौन से नंबर की तिली यहाँ से हमको हटानी है जिससे हमारा वर्ग कंप्लीट हो जाए, यानी 5 वर्ग हमारे बनकर तैयार हो जाए। तो आप लगाइए अपना दिमाग, कौन कौन सी तिली आपको हटानी है, और हमें कमेंट बॉक्स में बताएं कि कौन कौन से नंबर की तिली यहाँ से हमको हटानी है। चलिए, हम आपको बताते हैं कि कौन कौन सी तिलियाँ हमको हटानी पड़ेंगे। चलिए, सबसे पहले हम नंबर 2, ये 2 नंबर वाली तिली हमने यहाँ से हटा दी। उसके बाद हम क्या करेंगे, 2 के बाद इसके बाद हम ये हटाएंगे, 14 नंबर वाली तिली को हटा देते हैं यहाँ से। 2 के बाद हमने 14 नंबर की तिली हटाई है। उसके बाद हम क्या करेंगे, उसके बाद यहाँ नीचे से 11 नंबर पे जो तिली है उसको हमने हटा दिया है। अब आप देख रहे हैं, उसके बाद एक तिली हमने और हटा दी यहाँ से, 23 नंबर की तिली हटा दी है, और आप देख रहे हैं यहाँ पर आपके 5 समान वर्ग तैयार हो गए हैं। 1, 2, 3, 4 और 5। तो देखा आपने, आपको मज़ा आया ना, किस तरह से आपने 4 तिलियाँ हटाकर 5 वर्ग तैयार कर दिए। इस बार देखेंगे, तिलियाँ भी 24 हैं, वर्ग भी 9 हैं, और इस बार करना क्या है हमको, तिलियां भी 4 हटानी हैं। अरे, बड़े कमाल की बात है, यहाँ तक बिल्कुल सेम। और करना क्या है, वर्ग हमारे पास 7 बचने चाहिए। इस तरह से 4 तिलियां हमको हटानी हैं कि वर्ग हमारे पास 7 बचते हैं। तो देखते हैं किस तरह से आप हटाएंगे। पिछली बार की तरह आप यहाँ हटाइएगा, कोई सी भी हटा के देखिएगा, और हमें कमेंट में लिखकर बताइए कि किस नंबर की तिलियां हमको हटानी पड़ेगी जिससे हम 7 वर्ग तैयार कर लेंगे। तो हो जाइए तैयार, लगाएं अपना दिमाग। तो चलिए, हम बताते हैं आपको कौन कौन सी तिली आपको हटानी पड़ेगी, और हो सकता है आपने भी पता कर लिया होगा, आपने भी तिलियां हटा ली होंगी। तो देखिए, सबसे पहले हमको ये 3 नंबर वाली तिली यहाँ से हटानी है। उसके बाद इसके बराबर वाली हम तिली हटा देंगे, 22 नंबर वाली तिली भी हमने यहाँ से हटा दी है। तो इस तरह से आप देख रहे हैं, हमारे पास 2, 3, 5 और 3, 8 वर्ग तैयार हो गए, लेकिन हमको वर्ग चाहिए 7। तो हम क्या करेंगे, एक इधर से 10 नंबर वाली तिली हटाएंगे, और यहाँ से 15 नंबर वाली तिली हटाएंगे, और इस तरह से हमारा उत्तर आ जाएगा, यानी हमारे पास 7 समान वर्ग तैयार हो जाएंगे। नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 1, 7। तो आया ना मजा, आपने खूब मस्ती की, और हमने इस पहेली को भी
सुलझा ली पहेली हम और सॉल्व करेंगे आपके साथ। इस बार भी हमने वही 24 तिलियां और 9 वर्ग लिए हैं, लेकिन इस बार क्या करना है आपको कि वर्ग सात ही बनाने, जो भी पीछे हमने बनाए थे वर्ग सात बनाएंगे, लेकिन तिलियां दो हटानी पड़ेंगी। तो आपको किस तरह से कौन सी तिलियां हटानी है ये आपको देखना है, अपना दिमाग लगाइए फटाफट और देखिए कि कौन सी तिलियां हटाने के बाद हमारे सात समान वर्ग तैयार हो जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। अच्छा, आप कहाँ से हटा के देखेंगे? तो लगाया दिमाग आपने अपना, तो देखिए कौन कौन से आपने गैस किए थे, कौन कौन से नंबर की तिलियाँ हटानी थी। चलिए हम बताते हैं आपको। सबसे पहले हम यहाँ से 2 नंबर की तिली को हटा देते हैं, और 2 नंबर की तिली हटाने के बाद हमारे पास कितने वर्ग बच जाते हैं? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। लेकिन हमको कितने बचाने हैं? 7। तो क्या करेंगे, एक तिली हम यहाँ से और हटा देंगे, बस हो गया। अब देखिए गिनकर कितनी हो गई, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। या हम इसको इस तरह से भी हटा सकते हैं, यहां से आप इधर से 14 नंबर की तिली को हटा देंगे और इधर से 23 नंबर की तिली को हटा सकते हैं, लेकिन हमको केवल दो ही हटाने हैं। ये हमने आपको बताया है कि आप इधर से भी हटा सकते हैं, आप इधर से भी हटा सकते हैं। तो हम हटा लेते हैं आपके सामने कौन सी, 1, 2 नंबर वाली तिली हटाएंगे और 1, 11 नंबर की तिली हटाएंगे, यानी ये 11 नंबर वाली तिली हमने यहाँ से हटाई है और 1, 2 नंबर वाली तिली हटाई है, और वर्ग को काउंट करके देखेंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7। या नंबर इधर से भी डाल सकते हैं आप, 6 और 7। और ये तिली का नंबर था हमारी का 23 और इसका नंबर था 14। तो इस तरह से हमने देखा कि 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7, दो तिली हटाने पर हमारे 7 वर्ग बन जाते हैं।